साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों बहुत से विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूं। साथियों किसी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी है डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन संबंधित, वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूं। साथियों हमसे जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है इजी स्टडी फार्मेसी, आप हमसे उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हमारा एफबी पेज भी है इजी स्टडी फार्मेसी एंड डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से, साथियों उससे भी आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी साथियों हमारा पेज है। साथियों अभी हाल ही में जो है AKTU उत्तर प्रदेश की जो है यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिससे बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा और बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं, तो उसके जो कॉलेजेस हैं उससे अफिलिएशन होता है। तो अभी आगे की नोटिस जारी हुआ है कि जो भी बी फार्मा स्टूडेंट हैं उनका हॉस्पिटल का ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है। तो साथियों मैं नोटिस जो है वीडियो में लगा दूंगा कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ बी फार्मा सेकेंड ईयर हेयर बाई इन्फॉर्म यू दैट एज पर AKTU PCI सिलेबस ए हॉस्पिटल ट्रेनिंग इज मैंडेटरी इन फिफ्थ सेमेस्टर विच यू आर हैव टू कम्प्लीट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। कहने का मतलब है जब फोर्थ सेमेस्टर है तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है जरूर करिए। उसके लिए उन्होंने कॉलेज जितने भी अफिलिएशन के थे जहाँ से बी फार्मा होता था उसको इन्होंने नोटिस दिया है। साथियों समर वेकेशन में भी ये जो है कर सकते हैं। लिखा है यू मे कम्प्लीट योर ट्रेनिंग फ्रॉम 16th, कहने का मतलब 16 अगस्त टू 25 सितंबर, और ऑल ऑफ यू कैन इशू द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑफिस कम विद 3 set copy अपेंडिक्स ई। कहने का मतलब है जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का फॉर्म होता है 3 set copy और साथ में जो कवरिंग लेटर होता है बोनाफाइड, वो कॉलेज से इंस्टीट्यूट से दिया जाता है, वो वहाँ से आपको इशू करा के नज़दीकी जहाँ भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट मौजूद होगा हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, चाहे वो CSC हो, चाहे PSC हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे एडिशनल PSC हो, CSC हो, या फिर महिला चिकित्सा अस्पताल हो, या फिर संयुक्त चिकित्सालय हो, या TB हॉस्पिटल हो, और चाहे वो जो है क्या कहते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे भी सरकारी फार्मासिस्ट मौजूद है सरकारी अस्पताल में, आप वहाँ से हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग अगर नहीं भी करते थे तो PCI में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि बी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी किसी इंस्टीट्यूट में मोस्टली 90% जो इंस्टीट्यूट हैं वो 45 डेज की हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराते हैं, मिनिमम 150 घंटे की, ज़्यादा कितना भी हो जाए, और किसी इंस्टीट्यूट में 28 और 30 डेज की जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराते हैं। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत ही मैंडेटरी है। AKTU और PCI के जो सिलेबस है उसमें भी ये दिया गया है। बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने फोर्थ ईयर कर लिया है और PCI में अप्लाई करते हैं और उनके पास तुरंत जो है नोटिस आ जाता है कि यू हैव टू गिव द हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो वो नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कॉलेज से जो है बोनाफाइड और अपेंडेक्स जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म इशू कराते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, तब उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यह अभी उत्तर प्रदेश में जो है मोस्टली जो है सभी हॉस्पिटल्स कॉलेजों में जो है हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए अपने विद्यार्थियों को भेजने लगे हैं। हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है बहुत ही कंपलसरी है, उससे आपको नॉलेज लगे आएगा, वीगो लगाना, IV सेट लगाना, साथ ही साथ जो है आप जो है कैनुला कैसे लगता है, BP कैसे चेक करते हैं, SpO2 कैसे चेक करते हैं, इंजेक्शन कैसे लगते हैं, कितने तरह के इंजेक्शन हैं, दवाइयों का रखरखाव, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन और मरीज को डोज बताने का काम फार्मासिस्ट का है। OPD में सरकारी दवा कितनी तरह की है, दवाइयों का यूज क्या है, जैसे फ्रूसीमाइड है उसका यूज क्या है, डाइक्लोफेनिक टैबलेट है या एटिनोलॉल टैबलेट है, इस तरह की सारी दवाइयों का यूज क्या है, बेनिफिट क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है। एमरजेंसी ड्यूटी संपादित होती हैं, आकस्मिक सेवाएं जहां पे मरीज अपनी समस्या लेके आता है, और क्या होता है कि जो है मेडिको लीगल ड्यूटी भी संपादित होती है जहाँ पे FIR होने के बाद पुलिस जो है
अभियुक्त को जो है हॉस्पिटल में लेके आती है और वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों इमरजेंसी में रहते हैं, उसकी चोटें कहाँ पे आई हैं, क्या है नाम है, सब कुछ लिखा जाता है। उसी तरह से वीआईपी ड्यूटी भी संपादित होती है, वार्ड में जो है ड्यूटी कराते हैं, जहाँ पे सभी बीएसटी में लिखी हुई दवाइयों को जो है कैसे दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन आईवीएम है, कौन सा आईवी है, कितने तरह का इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या बीमारी है, सभी कुछ उसमें लिखा होता है। तो विधिवत सीखने का मौका मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आप प्राथमिक उपचार केंद्र अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। साथियों, हॉस्पिटल ट्रेनिंग पे हमने एक किताब भी लिखी है, फार्मेसी द राइट जॉब, ब्रैकेट में उसके लिखा है ए हैंडबुक ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग। आप अमेजॉन पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग डालेंगे आ जाएगा, या फार्मेसी द राइट जॉब डालेंगे, या फिर जितेंद्र कुमार DRX, तो मेरी बुक उस पर आ जाएगी। आप उसमें जो है रिव्यू अपना लिख सकते हैं, उससे आप परचेज कर सकते हैं। साथियों, हॉस्पिटल ट्रेनिंग की उस किताब को आप जरूर पढ़ें, उसमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को हमने जो है बहुत मेहनत करके लगभग 3 साल के जो है ड्यूरेशन टाइम में हमने उस किताब को लिखा है। और बहुत से विद्यार्थी जो है अमेजॉन पे कमेंट करके उसकी तारीफ करते हैं, जिसमें जो है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी क्या होता है, फार्मासिस्ट की डिफिनीशन क्या होती है, स्पिगमोमैनोमीटर क्या होता है, SpO2 मशीन क्या होता है, सभी कुछ हमने विधिवत डिस्क्राइब किया है। एम्बू बैग क्या होता है, नेबुलाइजर मशीन क्या होता है, इंजेक्शन कैसे लगते हैं, कितने तरह के इंजेक्शन है, एलर्जीज क्या होती है, घाव कितने प्रकार के होते हैं, वुंड्स की कैसे ड्रेसिंग करते हैं, फ्रैक्चर कितने तरह का होता है, स्ट्रोक क्या होता है, सभी कुछ हमने विधिवत लिखा हुआ है। शेड्यूल्स ऑफ मेडिसिन भी लिखा हुआ है, एमरजेंसी ड्रग के नाम भी हमने लिखा हुआ है। साथियों, तो आप उसको परचेज करें और उसको जरूर पढ़ें। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा। साथियों, नमस्कार।